अभी हम जाएंगे भागसू, भागसू वाटरफॉल जाएंगे वहाँ से। अभी वैसे हम जिस जगह पे हैं वो लोअर भागसू भी आप कह सकते हैं। यहाँ से आपको मैक्लोडगंज भी आपको लाइक 15 मिनट्स यहाँ से मैक्लोडगंज है, एंड भागसू यहाँ से सेम 10 to 15 मिनट्स यहाँ से भागसू का वे है। तो चलिए अभी हम भागसू जाएंगे, मैक्लोडगंज हम नेक्स्ट व्लॉग में कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए कितना खूबसूरत सा नजारा है यहाँ पे। देखा आपने पीछे की किस तरह से छोटे छोटे रास्ते हैं जिनसे हमें जाना पड़ता है। हिमाचल में मैक्सिमम इस तरह के ही रास्ते रहते हैं। इस तरह से हमें ट्रैकिंग की भी आदत सी रहती है। देखिए इस तरह से हम फिर से इन छोटे छोटे रास्तों से होते हुए ही जाएंगे। साथ में मैं आपको व्यू भी दिखाती चलूँगी कि किस तरह से है। ये देखिए बहुत ही ओल्ड लेडी थी दादी अम्मा जो हमारे आगे चली थी, और बहुत ही लाइक यू नो हिमाचल में सभी ऐसे ही हैं गाइस। लुक एट द व्यू। दैट इज़ ओल्ड मैक्लोडगंज गाइस। अगर आप कभी आए होंगे तो आपको पता होगा कि ये मैक्लोडगंज है। तो ये इस तरह से फिर से हमने छोटा सा ट्रैक है जो कि करना है, और ये देख सकते हैं आप कितने सुंदर हमारी नेचर प्रकृति माशाल्लाह बहुत ही सुंदर खूबसूरत है। तो ये देखिए गाइस। सो गाइस जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जो अभी हमने थोड़ी सी हाइक की है 10 मिनट की, घर से ऊपर थोड़ा सा आ चुके हैं। अभी हम जस्ट भागसू वाली जो मेन रोड है वहाँ पे अभी हम पहुँचेंगे ऊपर। तो आप देख सकते हैं 10-15 मिनट का हार्डली ये रास्ता है। वीडियो में आपको शायद थोड़ा या ज़्यादा मैं एडिट करके थोड़ा सा लंबा लग सकता है, बट ये हार्डली 10 to 15 मिनट का रास्ता है, थोड़ी सी हाइक है। एंड आप ये जो देख सकते हैं ये सारे पहाड़ जो हैं ये सारे भागसू धौलाधार रेंज के अंडर आते हैं। सो दिस इज़ ऑल धौलाधार रेंज गाइज। सो एज यू कैन सी यहाँ पे देवदार है, इसको हम चील बोलते हैं, तो जिसको पाइन भी आप कह सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारी प्रकृति है। तो मैं पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था और इसमें भी कहती हूँ कि अगर आप पहाड़ों में आ रहे हैं, चाहे वो हिमाचल है या नॉर्थ में कहीं भी आप जा रहे हैं, उत्तराखंड उत्तरांचल, तो प्लीज़ ये कोशिश कीजिए कि वहाँ पर आप प्लास्टिक एंड बॉटल्स जो कांच की बॉटल्स होती हैं वो ना फैलाएं वहाँ पे, क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सो गाइज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी पहाड़ों में प्लास्टिक अपने साथ लेके जाएं, या वहाँ पे कुछ डस्टबिन तरह की चीज़ें बनी होती हैं वहाँ पे वो प्लास्टिक आप डाल सकते हैं, तो यहाँ वहाँ प्लीज़ ना फेंकें। आप देख सकते हैं नेचुरल चीज़ें बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना कम इन।
गाइज अभी हम ये जो मेन रोड है भागसू की मैक्लियोडगंज से जो भागसू की रोड है जो मेन, वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो आपने पहले कभी आए हैं तो देखा होगा कि यहाँ वेस्ट वॉरियर के एक लामा की पेंटिंग सी रहती थी, तो वो अभी हट चुकी है बिकॉज़ यहाँ पे कुछ में भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ बन रही है। सो दैट तो इस तरह से ये रास्ता है बिल्कुल सुनसान। मैंने अपना मास्क भी वेयर कर लिया है और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान है, कुछ लोग नहीं हैं। बट हाँ, जो लोग थे दे आर ऑल लोकलाइट्स, सो इतना हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, सो अपनी प्रिकॉशन जो है वो अपने आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करते हैं। सो ये आप देख सकते हैं सूनी गलियाँ पड़ी हैं भागसू की, जो कि इन दिनों पर पूरी तरह से भरी रहती थी। जो लोग आए हैं पहले उनको पता है। सो ये मार्केट है भागसू का, ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। वैसे शॉप्स तो गाइस कुछ एक ही खुली थी, मतलब बहुत ज़्यादा शॉप्स यहाँ पे नहीं आपको देखने को मिलेंगी अभी। अगर आप लोकलाइट्स हैं या जैसे लाइक लोअर हिमाचल से हैं, अगर हिमाचल से ही हैं आप तो यहाँ आना चाहें तो आपको यहाँ शॉपिंग करने के लिए कुछ खास नहीं दिखेगा। सो ये देखिए इस शॉप से मैंने कुछ शॉपिंग की थी। सो बहुत अच्छा प्राइस था भैया का। तो ये देखिए इस तरह से कुछ सुंदर सुंदर से यहाँ पे लोअर थे ट्रैवल फ्रेंडली जो मैंने ले लिए थे। तो ये देखिए गाइस ज़्यादा शॉप्स नहीं हैं ओपन अभी, तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो दैट इज़ भागसू नाग टेम्पल। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। सो ये देखिए इस तरह से अभी बिल्कुल सूना सुनसान पड़ा है। ये वो देख सकते हैं आप जो स्विमिंग पूल था जहाँ पे लोग स्विमिंग करते थे, वो भी अभी बिल्कुल ही खाली करके रखा है इन्होंने। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है गाइस ये देखिए। तो ये कुंड है भागसू नाग जी का। ये पानी अंग्रेज़ों के टाइम से कहते हैं कि इसको धर्मशाला और कोतवाली जो सिविल लाइन है वहाँ पे अंग्रेज़ों के टाइम से ये पानी जो है वहाँ सप्लाई होता है, जो भागसू नाग का पानी है। तो जो अंग्रेज़ों ने यहाँ की जो एक पाइपलाइन थी वाटर की, वो उन्होंने ही मतलब एक बनाई थी फॉर एंटायर धर्मशाला। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं गाइस जो कि आप देख सकते हैं। खैर अभी तो ये ओपन नहीं है। ये देखिए गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक, मैं स्लो मोशन इस पर किया था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था तो मैंने सोचा एक छोटा सा स्लो मोशन इस पर बना लेती हूँ। तो इस तरह से ये कुंड हैं गाइस, बेसिकली ये पानी जो है वो हम पीते हैं। ये वाटरफॉल जाने का रास्ता है यहाँ से, तो चलिए अब चलते हैं वाटरफॉल। यहाँ भी कुछ एक शॉप्स ही ओपन हैं अभी, लोग हैं नहीं, क्राउड नहीं है, तो इस साल इनको बहुत ही लोगों को नुकसान है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि पहाड़ी से पत्थर एंड ऑल ये सब गिरते हैं, तो यू हैव टू बी अवेयर। सो अब हम चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। गाइस जो मेन भागसू के लिए रास्ता है बेसिकली वो यहीं से स्टार्ट होता है, तो और भी छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं बट सारे यहीं से ही जाते हैं क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल से नज़ारे देखने को यहाँ से मिलते हैं आपको। तो ये देखिए आप देख सकते होंगे ये ब्लू सा क्या है, तो ये है एक छोटा सा रोप वे जो पहाड़ों में आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली छोटा छोटा सामान जो होता है वो इधर से उधर दूसरी पहाड़ी तक जो है वो पहुँचाने के काम आते हैं। कई बार छोटे बच्चे या जो कम भार वाले लोग होते हैं वो भी जा सकते हैं इनमें, बट ये रिस्की है गाइस बहुत ज़्यादा। बट आप देख सकते हैं रिमोट में ज़्यादातर हिमाचल उत्तराखंड उत्तरांचल यही चीज़ें होती हैं जिससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना काम करते हैं या सामान भेजते हैं। तो मैंने कहा था कि डस्टबिन्स लगे होते हैं, तो ये रहे वो डस्टबिन्स। तो यहाँ पे आप अपना सामान वेस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं।
सो गाइस फाइनली हम वाटरफॉल भागसू वाटरफॉल पहुंच गए हैं। देख सकते हैं बहुत ही कम लोग हैं। मैं जल्दी से पानी में उतर गई थी इस तरह से, बहुत ही ठंडा पानी था गाइस ये। तो ये देखिए कुछ वीडियोस बनाई, फोटोज़ क्लिक की हम लोगों ने। हाल ही यहाँ पे 10 लोग थे गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता रही हूँ। तो लुक एट द व्यू एंड लुक एट दिस वाटरफॉल, अमेजिंग वाटरफॉल है गाइस ये, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर है। और इसका पानी आई मस्ट से बहुत ही ठंडा है, ग्लेशियर्स का पानी है ये बेसिकली, और नेचुरल है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर एक प्रकृति की रचना है गाइस। तो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं हर साल, बट इस बार तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग जो है वो ख़त्म करते हैं गाइस। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, और ये था बेसिकली हमारा भागसू तक का ब्लॉग। रास्ते में मुझे कुछ इस तरह के एक भैया मिले, जिनका मैंने एक छोटू सा एक वीडियो बना लिया था जिनके सामान का। तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल उनके पास चीज़ें थी। तो इस तरह से आज का ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं गाइस। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। और जो हिमाचल भागसू नहीं आए हैं उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि जब भी ये लॉकडाउन और जब भी ये कोरोना कम हो तो आप लोग यहाँ विज़िट करें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है ये जगह है, आपने जैसे देखा ही है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, अपने अपनों का ध्यान रखिए, और जितना हो सके प्रिकॉशन और सेफ रहिए घर में, जितना हो सके घर से बाहर कम ही निकलिए। और आगे आप खुद समझदार हैं सभी। चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिए, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे होम। टाटा।